आइए मिलाती हूँ मैं बिग बॉस की सबसे रियल गर्ल से, जिन्होंने सिर्फ रियलिटी पे ही पूरा शो चलाया है। तो बनी, सिर्फ रियल बन के ही आपने पूरा गेम खेला है, उसके बारे में जानना चाहिए। उसके बारे में क्या बोलूँ, आपने इतनी तारीफ करी अबाउट बीइंग रियल, तो आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट। ऐसे ही तो लाइक आई एम लाइक दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो, आपने देखा भी तो है। एंड मेरे को और कोई और कुछ होने का या ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग एल्स मेरे में वो है ही नहीं। लाइक आई वॉज एन एक्टिंग एंड आई वॉज नो शो, दैट्स फॉर शो। मुझे आई फील लाइक और किसी को भी नहीं करना चाहिए था। एंड या दैट्स इट मैन, थैंकफुली लोगों को अच्छा लगा। मैंने ये देखा नहीं अभी कुछ नहीं, मेरा फोन मेरे हाथ में है, कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बस यही दिख रहा है। आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि यार फोन पर तो ठीक है यार, 105 दिन इसके बिना रही, लोगों के बिना रहना बहुत मुश्किल रहा था। तो आई जस्ट वांट टू फिनिश ऑल दिस इंटरेक्शंस, उसके बाद मैं जाऊँगी सोशल मीडिया पर बैठ कर क्या क्या हो रहा है, लोग बताएंगे मुझे ऑल दैट। पर मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, तो सुनकर ही बहुत अच्छा लगता है। तो आई जस्ट वांट टू गो लाइक इंटरैक्ट विद एवरीबॉडी राइट नाउ। मानी एक चेंज जो अपने अंदर आपने देखा है पूरे घर में, मेरे में खाना बनाना या कुछ भी? हाँ, गौहर ने मुझे घर जाते वक्त ही लाइक द डे आई वाज लीविंग ना, वो गाड़ी के अंदर बैठी थी लोनावला आने के लिए, तो मुझे पूछती है जाते वक्त तुम्हें दाल बनाने आती है? आई थिंक नहीं, चीज़ चलो अभी तो नहीं सिखा सकती। आई थिंक आर यू किडिंग मी, मुझे दाल बनानी पड़ेगी। आई थिंक व्हाट, तो मुझे दाल बनानी आती है और बहुत कुछ और भी आता है। आई थिंक मैंने जितने इंडियन डिशेज घर के अंदर बनाए ना, मैंने कहीं और नहीं बनाए होंगे। लाइक खीर एंड मीठा परौंठा मैंने इंट्रोड्यूस करे थे घर के अंदर, इमेजिन दैट। एंड लोगों को बहुत पसंद आया था, विच वॉज वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी खीर बनाने की कोशिश नहीं करी थी, लेट अलोन मीठा परौंठा। तो आई वॉज वेरी ग्लैड कि लोगों को लाइक वो तो अच्छा लगा दैट। एंड आई थिंक कि पर्सनली इनसाइड की बात करूँ तो आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव आया कि मुझे अब पेशेंस का पूरा शब्द का महीना जो वो शब्द रखता है ना, आई फुली अंडरस्टैंड इट नाउ। अच्छा, लोपा के साथ हमेशा ही वानी की फाइट होती हुई दिखी है, तो वानी क्या था? आई मीन लाइक वो एक ऐसा ही था कि जो फ्रेम पे दिखता था या कुछ ऐसा था? अब मुझे नहीं मालूम कि ये फ्रेम पर कैसा दिखा होगा, उप्स सॉरी, पर आई थिंक इट जस्ट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग। टास्क के अंदर उसको लगा कि मैं बहुत अग्रेसिव हो गई थी, एंड व्हेन आई वुड गो टू अपोलोजाइज वो मूड में नहीं थी टू एक्सेप्ट माय अपोलॉजी, उसे लगा कि आई एम जस्ट डूइंग लाइक नाटक फॉर टीवी और व्हाटएवर। तो उसके बाद भी जब टास्क के दौरान हमारे टीम्स अलग होती थी, तो दे वर ऑल्सो फीलिंग द कॉम्पिटिशन हम दोनों के बीच में कि यू नो कीप दिस गोइंग, जो भी दानी जानी हमारी दुश्मनी थी। और जब वो आती थी मेरे पास तो मैं शायद मूड में नहीं थी टू लिसन, जब मैं जाती थी उसके पास वो शायद मूड में नहीं थी टू लिसन, तो ऐसा ही रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम होता जा रहा था। पर पिछले 2-3 दिनों में वी वर सिटिंग इन द हाउस, इट वाज रियली चिल्ड आउट, हम लोग इकट्ठे बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे एक दूसरे के, यू नो वी गेटिंग टू नो ईच अदर, इट वाज क्वाइट नाइस। तो वी कैन बी फ्रेंड्स। हाय मेरे चाहने वाले, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप लोग अभी कोई भी शो करो ना प्लीज़ मुझे मैसेज करना, आई डेफिनेटली वोट फॉर यू गाइस आल्सो यार, बहुत सो मच लव यार। थैंक यू सो मच।